सो गाइज वेलकम टू मिस्टर मैजिक। एंड आज का जो वीडियो है वो है कैसे आप अपना फेस स्वैप कर सकोगे फोटो वाले दूसरे किसी और के साथ। मतलब फोटो में दो दो फेसेस है, आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हो कैसे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है वैसा। तो ऐसा एक और भी वीडियो था मेरे चैनल पे जो कि था फेस रिप्लेसमेंट। उसमें अगर एक फोटो पे किसी का फेस आप वहाँ पर चिपकाना चाहते हो अपनी दोस्तों का या फिर खुद का मजाक बनाना चाहते हो किसी का, तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे है फेस रिप्लेस कैसे कर सकते हो दोनों, मतलब देख लो वीडियो। तो ये है वीडियो, लेट्स प्ले। तो आज मैं इन दोनों का फेस जो है रिप्लेस करूँगा। तो पहले इसके लिए आपको पिक्सआर्ट पे जाके ये जो कटआउट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये जो एक आउट मतलब आउटले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले इस पापा का फेस कट करने के बाद तो जो इरेजर से और ब्रश आइकन से मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को जितना चाहिए उतना आप रख सकते हो। तो ये माय स्टिकर्स सेव टू माय स्टिकर्स, तो इस पर ऑलरेडी सेव्ड हो गया है। तो अभी मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ इसे। तो इसके बाद फिर से मैं इस बच्चे का जो फेस है इसको भी कटआउट कर दूँ। तो पहले आउटलाइन, तो ये हो गया है आउटलाइन कभी। तो ये अपने आप एक सिलेक्शन कर लेगा जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट होता है, बट आपको कुछ अपने हाथों से करना पड़ेगा। जैसे कि ये ब्रश आइकन से मैं यहाँ पे और आपके सामने थोड़ा सा जगह खाली रहेगा। तो ये सेव टू माय स्टिकर्स ये भी सेव हो गया। तो अभी डेस्कटॉप मतलब वो डिस्कार्ड करके ये जो पहला फ़ोटो था उसको मैं एक बार फिर से दिखा दूँ। ये जो पहला फ़ोटो था यहाँ पर आके नीचे जो स्टिकर्स वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मेरा बाकी दोस्तों का भी स्टिकर्स है इसीलिए ये स्टिकर। तो वहाँ से मैं ये डैड का जो फोटो था मतलब इसका ये आदमी का जो फोटो था स्टिकर था वो मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर बैठा दिया। तो इसका इसका जो ये शर्ट का जो ब्लू कलर्स था उनको मैं हटाऊँगा यहाँ से इरेजर पर क्लिक करके। आप इरेजर पर क्लिक करके इसका हार्डनेस और साइज भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो देखिए आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी बहुत फनी लग रहा है। तो फिर से स्टिकर पे जाके अब बच्चे का जो फेस था उसको हमको नीचे इसके मतलब इसके जो पापा था उसके फेस में हमको ऐसे बिठाना। तो पहले इसको एकदम सही जगह पे परफेक्टली एडजस्ट करने के बाद आप इरेज कर सकते हो या फिर ब्रश आइकन से जो जितना आपको चाहिए उतना ऐड कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये हो गया हमारा फेस रिप्लेसमेंट। अभी बहुत ऑकवर्ड लग रहा है इसे। तो ऐसा आप कर सकते हो फेस रिप्लेसमेंट या फिर फेस स्वैप या फिर फेस इंटरचेंज, कुछ भी कह सकते हो। तो इसके बाद आपको एक दो फोटोज़ में दिखाऊंगा। हमारे यहाँ पे अगर किसी दोस्त का बर्थडे आता है तो हम क्या करते हैं, सारे नॉर्मल लोग तो उनको विश करते हैं जैसे कि हैप्पी बर्थडे भाई, पर हम क्या करते हैं हम पिक्सआर्ट पे जाके उनका फेस को स्टिकर बना के कुछ उल्टा सीधा करते हैं, फिर उसको फेसबुक पे डाल के अपने बाकी के दोस्तों को भी टैग कर देते हैं। तो ऐसा भी कुछ आइडिया आपको आने वाले एक दो फोटोज़ में मिल जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो ट्राई करके। और अगर मेरा वो वीडियो भी आपको देखना है मतलब वो जो फेस स्वैप मतलब नहीं फेस रिप्लेसमेंट वाला जो वीडियो वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो गाइज ये रहा आज का वीडियो एंड आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट। तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। और हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब रखो और बेल आइकन को भी जरूर दबाओ। Look at this dude. Wait till you see the no. Oh, look at the toe.